यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए, आपकी दया और आपकी करुणा के लिए जो आप अपने बच्चों पर अधिकाई से दिखाते आए हैं। आज एक बार फिर से प्रभु जी आपके वचन के द्वारा हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन को सुनकर आत्मीय भोजन को प्राप्त करते हुए, आत्मीय बल को प्राप्त करते हुए आपके नाम की महिमा कर सकें, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु मसीह के नाम में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में प्रभु आप सबों को आशीष दे। जैसे कि हम बाइबल में पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारे लिए सब उत्तम उत्तम चीज़ों को रखे हैं, और उन उत्तम चीज़ों को हम हमेशा याद रखें, ये परमेश्वर चाहते हैं। उन उत्तम चीज़ों में अगर हम जाने तो हम पाते हैं कि परमेश्वर के द्वारा हमें जो उत्तम चीज़ें मिली हैं उसमें से हम पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके पहले वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर बाइबल में हम पाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा से आप और मैं यीशु मसीह के प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं। आप और मैं यीशु मसीह के प्रेरित हैं, इस बात को हम यहाँ पर देखते हैं। सो परमेश्वर ने आपसे मुझसे प्रेम किया और उन्होंने हमें बुलाया है ताकि हम उनके प्रेरित कहलाएं, यानी मसीह यीशु के प्रेरित हम कहलाएं। और उस प्रेरित का कार्य जो है उसके दूसरे वचन में हम देखते हैं, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम। तो दूसरा जो हम देखते हैं कि परमेश्वर की कलीसिया, पहले हमने देखा परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर की इच्छा से उन्होंने हमें बुलाकर अपना प्रेरित बनाया है। दूसरा उन्होंने कह रहे हैं कि आप परमेश्वर की कलीसिया हो। सो मैं और आप जो है परमेश्वर के चर्च हैं, वी आर द चर्च, वी आर द गॉड्स लिविंग चर्च। सो हम परमेश्वर की कलीसिया हैं, और इस कलीसिया को वहाँ लिखा गया है जो मसीह यीशु के नाम से पवित्र किए गए हैं। सो हम जो कलीसिया हैं, हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम पवित्र किए गए हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। सो हम जो कलीसिया के रूप में हैं, हम यीशु मसीह के नाम से पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हम पवित्र कलीसिया हैं। इसलिए वहाँ पे लिखा है, उसी दूसरे वचन में हम पाते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर कलीसिया का मुख्य कार्य यहाँ पर हम देखते हैं, पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह की इच्छा पर हम चलें, दूसरा हम देखते हैं कि हम निरंतर प्रार्थना करें। तो परमेश्वर की कलीसिया का कार्य, आप और मैं जो कलीसिया हैं, हमारा ये कार्य है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। और इस प्रार्थना में जब हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है सच्चा है, और परमेश्वर की सच्चाई को जब हम जानते हैं तो हम पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ संगति भी करते हैं। उसके नौवें वचन में देखिए लिखा है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके नौवें वचन में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। सो ये परमेश्वर जो है सच्चा है, इस बात को हमें जानना है। परमेश्वर की इच्छा को जो हम जाने हैं, परमेश्वर जो कलीसिया के रूप में आपको बुलाए हैं, आपको पवित्र किए हैं, वो आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए हमें जानना है कि परमेश्वर सच्चा है, और ये सच्चा परमेश्वर जो है वो हमें यीशु मसीह के साथ संगति फेलोशिप के लिए बुलाए हैं। सो फेलोशिप विथ गॉड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको और मुझे सीखने की बात यह है कि हम जो परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के साथ संगति में भी रहें, और ये संगति जो है हमें परमेश्वर के प्रेम में हमें बढ़ाती है। सो ये हम तीसरी बात को जो देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर सच्चा है जिसने हमें अपनी संगति में बुलाया है। चौथी बात अगर हम देखें, उसके 18वें वचन में हम पाते हैं, 18वें वचन में लिखा है कि इस दुनिया के लोगों के लिए क्रूस की कथा तो जो है मूर्खता है। इन दुनिया के लोगों के लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। हमारे लिए परमेश्वर की ये सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य को प्राप्त करते हुए, परमेश्वर के ज्ञान में हम बढ़ते हुए, परमेश्वर के साथ संगति रखते हुए, परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर की इच्छा में मैं और आप चलें, ये परमेश्वर हमसे और आपसे चाहते हैं। तो आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर से शक्ति को मांगते हैं कि प्रभु हमें इस प्रकार की शक्ति को दे कि हम प्रार्थना करते हुए, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करते हुए, परमेश्वर की सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। इस समय को आपने हमारे जीवन में आशित किया, इसलिए धन्यवाद। आपके वचन को सुनकर प्रभु जी हम आपकी संगति में एक बार फिर से अपने जीवन में आपके आशीषों को हम पाते हैं। आपके प्रिय बच्चों को आप आशित कीजिए ताकि वे आपकी सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव कर सके, आपके नाम की महिमा कर सके। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।